राधे राधे। महेंद्र कुमार पारिक, मैं मेरा आपसे एक ऐसा प्रश्न है जो आज की लोगों के, आज के परिवार के, आज के समाज का बहुत ही ज्वलंत समस्या है, जिस ओर मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ। उसमें मुख्य रूप से है कि आज बच्चे बच्ची की शादी होती है, वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने, हद से हद हो गई 1 साल तक भी चल पाती है, उसके बाद में रिश्ते टूट की कगार पर आ जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक संदेश भी चाहता हूँ इस विषय में, और इसका एक समाधान भी चाहता हूँ कि इसका मुख्य रीजन क्या है और इसका समाधान क्या है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। पहली चीज़ तो शादी, ये खास करके युवाओं के लिए जो शादी करने वाले हैं, शादी एक बहुत बड़ी चीज़ है। शादी के फैसले पहली बात तो तुरंत नहीं लिए जाते कि आप 1-2 महीने मिले और आपको लगा कि सब सही है और शादी कर लेते हैं। ये चीज़, ये अरेंज मैरिजेस में भी कहूँगी कि देखिए, पहले की अगर आप बात कहते हैं तो आज की स्टडी बताती है कि 70-80% शादियाँ पहले इसीलिए चलती थी क्योंकि लड़कियाँ कुछ बोलती नहीं थी, वो चुपचाप सहती रहती थी, इसलिए शादियाँ लंबी चल जाती थी। अब नहीं सहती वो, तो मेरी नज़र में कोई गलत नहीं है ये। उस समय का सहना जो था कि आप पर हिंसा भी हो रहा है, गलत कार्य भी हो रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हैं, तो वो मेरी नज़र में वो आज का समय ज़्यादा सही है कि अन्याय हो तो सहना, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि हम दिमाग से नहीं सोचते, आपने दिल से सोचा, सब कुछ आपको सही लगा, कर लिया, करने के बाद अब आप जब असल आदतें सामने आ रही है, क्योंकि देखिए कुछ समय तक तो हर इंसान अच्छा है। मैं तो अरेंज मैरिजेस के लिए भी कहती हूँ, आप बच्चों को मिलने दीजिए, 1-2 मुलाकात में कौन बुरा बनेगा, कोई बुरा बनेगा? आप और हम भी 1-2 मुलाकात मिलेंगे तो 1-2 मुलाकात में तो अच्छे से ही बात करेंगे, तीसरे चौथे में असलियत बाहर आती है व्यक्ति की। और वो असलियत ऐसा नहीं कि वो आपके साथ कुछ गलत करता है, कहते हैं किसी को पहचानना है तो उसको बोलने दो, उसकी बोली उसके स्वभाव को बता देगी कि वो कैसा व्यक्ति है। तो ये जरूरी है कि आप स्वभाव समझे, स्वभाव समझने का जब मौका नहीं मिलता और आगे जाके जब असलियत सामने आती है तो उनको लगता है ये रिश्ता तो चलने वाला नहीं है, तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था, जितनी जल्दबाजी में हमने शादी करी है। हाँ, जो पूरा समय लेते हैं उसके बाद भी लगे तो वो तो किस्मत है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब चलता है। अगर आपको लगता है कि नहीं चल सकता, पूरी ज़िंदगी किसी रिश्ते को टालने से अच्छा है कि ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन खुद ही जल्दबाजी में किया, दिल की सुनी, हाँ ठीक है चलो कर लिए, 2 महीने बाद लगा नहीं 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 पापा मुझे तो ऐसा लगा था पर ऐसा है नहीं, गलत है। समय दीजिए, किसी के स्वभाव को समझिए, सिर्फ अच्छापन देखकर शादी नहीं की जाती। कहा जाता है ना कि अच्छी चीज़ों से तो हर कोई प्यार करता है, वो प्यार थोड़ी है। अगर मेरे अंदर अच्छाई है और कोई इंसान को पसंद करा तो वो पूरी दुनिया ही पसंद कर रही है, उसमें क्या खास बात है ऐसी कि वो इंसान पसंद करे। मुझ में जो बुराई है उस चीज को भी कोई ठीक करे या उसको अपनाए, तब मतलब आप उसके साथ रह सकते हैं, क्योंकि शादी कुछ दिन मिलना नहीं होता, शादी अब जीवन भर एक कमरे में एक साथ रहना है, हर रूप से दोनों को देखना है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, गुस्सा हो प्यार हो, चिंता हो प्रॉब्लम्स हो, सब चीज़ सहना है। तो उसके लिए व्यक्ति के स्वभाव को समझिए, और अगर आप पूर्ण रूप से उसके स्वभाव को अपना सकते हैं तो ही शादी करिए, वरना तब तक समय दीजिए चीज़ों को। जल्दबाजी में कुछ सही नहीं होता, चाहे वो पैसा कमाना हो, परिवार चलाना हो, रिश्ता हो, क्योंकि शॉर्टकट शॉर्ट समय तक चलता है। पर सब कुछ सही चाहिए तो उसके लिए धैर्य, समय और सोच, ये चीज़ें महत्वपूर्ण रखती हैं।